साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत से रिलेटेड बात करेंगे। भाई ये कोरोना की महामारी आपको चल रहा है भयंकर तरीके से, लगभग लोगों का जॉब जा रहा है। आप सबको पता है जो विदेशों में बैठे हैं उनकी हालात ख़राब हैं, जैसे तैसे करके इंडिया आना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनकी पार नहीं पड़ रही है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे और आज की बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। जी हाँ साथियों, गल्प न्यूज़ की न्यूज़ है। आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं भाई, यहाँ पे बैड कमेंट लिखने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर हमने ये न्यूज़ पढ़ी नहीं। तो भाई आपने जो न्यूज़ नहीं पढ़ी इसका मतलब वो हकीकत नहीं हो सकता। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, बता दूँ कुवैत में एक कानून बनने जा रहा है। जी हाँ साथियों, विधायक जो कानून मंत्री द्वारा एक विधेयक पास होने जा रहा है उस पर अगर मोहर लग गई तो मैं बता दूँ इंडिया के लगभग 14.5-15 लाख के करीब पॉपुलेशन है इंडिया की कुवैत में, और उनमें से 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल हकीकत तो श्योर न्यूज़ है। हालांकि उस पर कानून अभी बना नहीं है, अंडर प्रोसेस है। अगर बन गया तो भाई आपके लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। पूरी डिटेल से बातें बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। साथियों सरकार ने 2 रीज़न बताए, एक तो कोरोना महामारी की वजह से। आपको पता है यार गल्फ कंट्रीज की कितनी कैपेसिटी है, लगभग कंट्रियाँ पेट्रोल पे टिकी हैं, तेल पे टिकी हैं, आपको सबको पता है। और तेल के भाव का आपको पता है कि गल्फ में ये भाव नहीं महंगा है और तेल पेट्रोल सस्ता है, तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ की जनता जो वर्कर है उनको छटनी की जाए और लोकल आदमी को वरीयता दी जाए, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि कुवैत में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। जी हाँ साथियों बता दूँ, लगभग साथियों बता दूँ कुवैत में मेरे हिसाब से 4.5 लाख प्लस 4.5 मिलियन यानी 4.8 मिलियन की पूरी जनसंख्या है, यानी एवरेज 45-50 लाख लोग आप मान सकते हैं। जी हाँ, उनमें से बता दूँ भाई 15 लाख की पॉपुलेशन इंडिया की है। जी, और उसके बाद में 10 लाख की पॉपुलेशन के करीब मिस्र भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली। ये स्थिति ये है कि 30% लोग तो हैं कुवैती। कुवैत की जो लोकल जनसंख्या हो गई, कुवैत की लोकल जनसंख्या कितनी है, मात्र 1.3 मिलियन। साथियों 1.3 मिलियन कुवैत की जनसंख्या है, उनमें से बता दूं 3 मिलियन से ऊपर विदेशियों की जनसंख्या है, यानी 70% लोग कुवैत में विदेशी हैं और 30% लोग हैं कुवैती। तो सरकार ने इसको बहुत बड़ी चुनौती मानी है कि भाई ये नहीं हो सकता, कल को हमारे सामने दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको देखते हुए सरकार में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री है, उन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि इनको घटाया जाए, उनको विदेश से निकाला जाए, उनको एक विधेयक पास करके, ऐसे तो नहीं निकलेंगे, विधेयक पास करके एक कानून बना दिया जाए जिसमें कोटा सिस्टम कर दिया जाए। तो भाई इंडियन को अगर कोटा बन गया तो इंडिया के लिए 15% कोटा होगा। जी हाँ साथियों, और आप मान के चलते 15% कोटा होने का मतलब है लगभग इंडिया के भाई वहाँ पे 15 लाख के करीब इंडियन लोग हैं। अगर 15% कोटा कर दिया तो सीधे सीधे 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, ये अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, 1-2 दिन की ये न्यूज़ है। आप चाहो तो अपने स्तर पे ट्राई कर लीजिएगा। अगर इस पे अभी विधेयक बना नहीं है, मंजूरी मिली नहीं है, जैसे ही अगर मंजूरी मिल गई, जैसे नेपाल में मिली थी ना संसद को कि भाई ठीक है नेपाली सिस्टम ये चेंज कर, ये सीमा भारत की उसमें वो मंजूरी उन्होंने दे दी, वैसे ही अगर कुवैत में मंजूरी मिल गई तो 8 लाख भारतीयों की जॉब जा सकती है। जी हाँ, 15 लाख की लोगों की पूरी पॉपुलेशन है इंडियन लोगों की कुवैत में, उनमें से 8 लाख लोगों को जॉब छोड़ के अपनी इंडिया आना पड़ेगा। जी हाँ, तो उम्मीद साथियों ऊपर वाले से यही करेंगे भाई कानून न बने, अगर बन गया तो आपके लिए मुश्किल होगी और भविष्य में आप कुवैत नहीं जा सकेंगे क्योंकि पूरा कोटा ही 15% कर देंगे, समझ रहे हो बात को। तो उससे वो 15% कोटा तो पूरा फुल हो चुका है, 15 लाख आदमी 8 लाख निकलेंगे तो भी बच रहे हैं ना लोग। तो मेरे हिसाब से ये काम गड़बड़ होने वाला है कुवैत के लोगों के लिए। साथियों ये आपको जानकारी देनी थी भाई कि अगर ये कानून पास हो गया तो 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, और कानून बन गया तो उसको कोई रोक नहीं सकते। बस यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हर रोज़ कुवैत से रिलेटेड अच्छी अपडेट पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।